Hey, what's up guys? My name is Kabir and you are watching my channel Technical Bits. So guys, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे 1080p रेजोल्यूशन पे भी हाई FPS पे गेमिंग कर पाओगे अपने लो बजट ग्राफिक कार्ड पे या पुराने ग्राफिक कार्ड पे, या आपके पास कोई नया लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है उस पर भी अगर आपको FPS कम मिलते हैं 1080p पे, तो इस टेक्निक को या इस ट्रिक को अपनाने के बाद उसमें आपको 1080p सेटिंग पे काफी अच्छे FPS देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, आपने AMD FSR यानी Fidelity FX के बारे में तो सुना ही होगा और ये AMD FSR लॉन्च हो चुका है, उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है। उसमें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया जो सपोर्टेड गेम होते हैं AMD FSR यानी Fidelity FX को सपोर्ट करते हैं, आप उसमें उन गेमों में Fidelity FX यानी FSR को कैसे इनेबल करोगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, मैं आपको थोड़ा सा आसान शब्दों में बता देता हूँ कि बेसिकली FSR करता क्या है। मानिए आपने गेमिंग का अपना जो गेम है उसमें रेजोल्यूशन सेट किया 1080p पे और आपका मॉनिटर का भी रेजोल्यूशन है 1080p पे, अगर आप FSR को ऑन करते हो तो बेसिकली वो क्या करता है, आपका जो गेम का रेजोल्यूशन होता है उसको वो कर देता है कम और आपका जो मॉनिटर का रेजोल्यूशन होता है उस गेम को स्केलिंग करके उसी रेजोल्यूशन पे ला देता है और आपको पता भी नहीं चलता है, कितनी फास्ट हो जाता है और आपको जो FPS जो होते हैं वो बूस्ट हो जाते हैं। बेसिकली जब आपका रेजोल्यूशन कम होता है गेम का तो आपको ज्यादा FPS मिलते हैं और स्केलिंग की वजह से वो 1080p में आपके फिट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता और आपको काफी ज्यादा अच्छे FPS देखने को मिल जाते हैं। लेकिन AMD FSR टेक्नोलॉजी को कुछ ही गेम सपोर्ट करते हैं और इसमें आपको ज्यादा गेम देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मोस्टली ऑल गेम के अंदर AMD FSR का यूज कर पाओगे, अपने गेम में ज्यादा FPS पा पाओगे 1080p सेटिंग पे या हायर सेटिंग पे आप करते हो तो उस पर भी आप अच्छे खासे FPS पा सकते हो। तो इसको करने के लिए मैं आपको दो मेथड बताने वाला हूं, जो पहला मेथड है वो है पेड और जो दूसरा मेथड है वो फ्री। जो पहला मेथड है पेड यानी कि जो पेड वाला मेथड है वो आपको प्लगइन या सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो वो आपको स्टीम पे देखने को मिल जाता है, इसका नाम है लॉसलेस स्केलिंग और इसका प्राइस है लगभग 200 रुपए के आसपास आपको स्टीम पे देखने को मिल जाएगा, वहां से आप उसे परचेज करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना गेम ओपन कर लेना है, लेकिन इस प्लगइन को यूज करने से पहले इसकी कुछ कंडीशन है उसको अप्लाई करना जरूरी है। तो गाइस, आपको गेम के अंदर जाना है, गेम की सेटिंग में जाना है, उसके बाद आपको जो फुल स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट है उसको आपको विंडो मोड पे सेट कर देना है। देन उसके बाद अगर आपका मॉनिटर का रेजोल्यूशन 1080p है तो आपको गेम का रेजोल्यूशन लगभग 720p पे सेट कर देना है, देन उसके बाद सेटिंग को अप्लाई कर देना है। तो गाइस, आपको गेम ओपन कर लेना है, जिस भी गेम में आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करना है यानी आपको FPS बूस्ट करना है। आपको FPS कम देखने को मिलते हैं, जैसे मुझे इस समय देखने को मिल रहे हैं 60 FPS या 62 FPS के आसपास, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद आपका डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है विंडो जो मोड होता है उसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको विंडो मोड पे इसे सेट कर देना है और जो आपका रेजोल्यूशन है उसको रेजोल्यूशन को आपको कम कर देना है। तो मैं यहाँ पे 720p रेजोल्यूशन सेट कर दूंगा, देन उसके बाद यहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर दूंगा तो आप देखोगे मेरा गेम विंडोड मोड में आ गया है। देन उसके बाद डिस्प्ले एडवांस या जो जहाँ पे जिस गेम में जिस तरह की सेटिंग दिखाता हूँ वहाँ पे जाने के बाद आपको जो भी सेटिंग करनी ग्राफिक्स की आप कर सकते हो अपने हिसाब से, जिसमें आपको ज़्यादा FPS देखने को मिले और आपका ज़्यादा रेजोल्यूशन भी और क्वालिटी भी ना ख़राब हो। तो उसके करने के बाद गाइस आप देख सकते हो कि 720p पे मुझे 86 FPS, 93 FPS देखने को मिल रहे हैं, 100 FPS देखने को मिल जा रहे हैं, लेकिन मुझे इसे अब खेलना है 1080p पे, यही FPS मुझे 1080p पे भी चाहिए। उसके लिए जो आपने लॉसलेस प्लगइन डाउनलोड की है उसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+S या आप सिंपली स्केल इन 5 सेकेंड पर भी क्लिक करके इसे इनेबल कर सकते हो, 5 सेकेंड में अपने आप इनेबल हो जाएगा। देन उसके बाद स्केल फैक्टर यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको कस्टम देखने को मिल जाता है और ऑटो देखने को मिल जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे ऑटो पे सेट कर दीजिए। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको 3-4 फीचर्स और देखने को मिल जाते हैं, आपको यहाँ पे इन चीजों से कोई मतलब नहीं, सिंपली आपको FSR यूज करना है। शार्पनेस का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप 0 से 2 तक की शार्पनेस को सेट कर सकते हो, जितनी कम नंबर होगा उतनी ज्यादा शार्पन आपको गेम के अंदर देखने को मिल जाएगी, अगर ज्यादा नंबर होगा तो आपको शार्पनेस कम देखने को मिलेगी। सिंपली मैं यहाँ पे एक 1 सेट कर दूंगा, देन उसके बाद कैप्चर API को मैं सिंपली ऑटो कर दूंगा और यहाँ पे अपने हिसाब से जो ऑप्शन है उनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देन उसके बाद आप चाहो तो हॉटकी से भी इसे इनेबल कर सकते हो या स्केल इन 5 सेकेंड पे क्लिक करके भी इसे आप इनेबल कर सकते हो। गाइज आप देखोगे 5 सेकेंड बाद मेरा रेजोल्यूशन अपने आप चेंज हो जाएगा 1080p में।
सेट हो गया। तो गाइज मेरा 720p रेजोल्यूशन आप देख रहे हो कि 1080p में आ गया और आप देख रहे हो कि मुझे वही FPS देखने को मिल रहे हैं जो 720p में FPS देखने को मिल रहे थे। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से किसी भी गेम में AMD FSR का मज़ा ले सकते हो। तो गाइज आपने देखा कि आप इस छोटे से सॉफ्टवेयर के जरिए किसी भी गेम के अंदर AMD FSR को इनेबल कर सकते हो, 1080p गेमिंग कर सकते हो और उसके बाद आपको काफ़ी अच्छी डिटेलिंग भी देखने को मिल जाती है। ये नहीं कि आपको डिटेलिंग कम देखने को मिल रही है, इसके जरिए आपको काफ़ी अच्छी डिटेलिंग भी देखने को मिल जाती है और आपके FPS आपको बूस्ट होते हुए देखने को मिल ही जाते हो, आप 1080p पे गेमिंग कर सकते हो। तो गाइज ये लॉसलेस स्केलिंग सॉफ्टवेयर तो काफ़ी अच्छा है लेकिन है पेड, स्टीम पे मिल जाता है, अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं फ्री वाले सॉफ्टवेयर की। गाइज फ्री वाले सॉफ्टवेयर का नाम है मैगपाई, तो ये आपको गिटहब पे देखने को मिल जाता है। जो लेटेस्ट वर्जन होगा उस पर क्लिक करके आप इसकी जिप फाइल डाउनलोड कर लो। तो गाइस जो हमारी फ्री वाली प्लगइन है मैगपाई, उसकी जिप फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है, सिंपली राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो आप देखोगे आपको कुछ इस तरह का फोल्डर देखने को मिल जाता है, इसमें कुछ फाइलें देखने को मिल जाती हैं। ये इसका exe फाइल है जिसको आपको डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। तो इसमें आपको सेम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, सेम वही आपको हॉटकी देखने को मिल जाती है जिससे आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो और या आप सिंपली स्केल आफ्टर 5 सेकंड पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको नंबरिंग डालने की जरूरत नहीं, सिंपली आपको स्लाइडर देखने को मिल जाता है शार्पनेस कम या ज़्यादा करने का। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर मेथड देखने को मिल जाता है, ग्राफिक कैप्चर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ग्राफिक कैप्चर ही रहने दो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है या कुछ रेजोल्यूशन या डिटेल्स में कुछ प्रॉब्लम आती है तो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन का मोड देखने को मिल जाता है, यहाँ पे अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जूम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एडजस्ट कर्सर स्पीड व्हाइल जूम, तो इसको आप अनचेक कर दीजिएगा। देन उसके बाद एडवांस अबाउट ये सब देखने को मिल जाता है। प्रोसेस दोनों का सेम है लेकिन मैगपाई के अंदर आपको लॉसलेस स्केलिंग से ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और ये टोटली फ्री है और अच्छे से वर्क करता है। इसको करने के लिए गाइस सेम आपको गेम को अपने विंडोज मोड पे डाल देना है, देन उसके बाद आपका जो रेजोल्यूशन है उसको आपको कम कर देना है और इस प्लगइन को ओपन कर लेना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि मेरे गेम की जो प्रेजेंट है वो वेरी हाई है लेकिन जैसे ही मैं रेजोल्यूशन को कम करता हूँ तो मुझे FPS 10-15 FPS ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। अब मुझे गेम खेलना है अपने इसी प्रेजेंट पे, यानी वेरी हाई प्रेजेंट पे ही गेम खेलना है लेकिन 1080p पे, तो मैं क्या करूँगा, जो मैगपाई मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है मैं सिंपली उस सॉफ्टवेयर पे जाऊँगा और यहाँ पे मैंने सेटिंग आपको बताई दी थी, सिंपली मैं स्केल आफ्टर 5 सेकंड पे क्लिक करूँगा तो आप 5 सेकंड बाद देखना क्या होता है, 2-1। तो गाइस आप देख सकते हो कि गेम वही है, प्रेजेंट भी वही है और रेजोल्यूशन हो गया हमारा 1080p, लेकिन आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा लेकिन आपको डिटेलिंग देखो आपको बिल्कुल सेम टू सेम वही देखने को मिलती है और आपका रेजोल्यूशन भी आपका 1080p हो जाता है। थोड़ा सा आपको अंत हल्का सा माइनर सा डिफरेंट देखने को मिल जाता है रेजोल्यूशन का, लेकिन आप अच्छे से 1080p गेमिंग कर सकते हो और आपको FPS भी वही देखने को मिल जाते हैं गेम के अंदर। तो गाइस ये दो सॉफ्टवेयर थे जिनके जरिए आप 1080p गेमिंग कर सकते हो काफी अच्छे FPS पे और AMD FSR एक तरीके से देखा जाए तो इनेबल कर सकते हो कोई भी गेम के अंदर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये दोनों प्लगइन है ज्यादातर 90% सभी गेम को सपोर्ट करती है लेकिन कुछ गेम ऐसे हैं जिनमें ये वर्क नहीं करती है। अभी मैंने आज ही एक वीडियो डाली थी डेज गोन के बेंचमार्क के ऊपर, तो ये प्लगइन मैंने उस गेम के ऊपर भी ट्राई करी लेकिन ये प्लगइन उस गेम के ऊपर वर्क नहीं करी और मेरे गेम को फ्रीज कर देती थी। तो ये हो सकता है कि रैंडमली आपको कोई ऐसा गेम मिल जाए जिसमें ये प्लगइन ना वर्क करे, लेकिन ज्यादातर ऐसे गेम है जिनमें ये प्लगइन वर्क कर जाती है और आप काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हो, 1080p पे अच्छे FPS पा सकते हो। तो गाइस पहली थी पेड, दूसरी थी फ्री, जो भी आपको पसंद आती है आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो और मजे ले सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।